गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेनो 11 प्रो की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी डिज़ाइन की। तो इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होने वाले हैं एंड फोन लगेगा देखने में ही कि आपका प्रीमियम है। दो कलर्स में ये फ़ोन आता है, रॉकी ब्लैक में एंड आपका पेरल वाइट में। दोनों ही कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड लुक्स के मामले में ये फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है HDR10+ का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, 1 बिलियन कलर्स, एमोलेड डिस्प्ले, 950 की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस इसकी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक कैमरा सेटअप की। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है बैक में। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 32 मेगापिक्सल का है एंड तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है वाइड एंगल के लिए। दोनों ही जो बैक कैमराज हैं उसमें आपको सोनी का सेंसर मिल जाता है। जो मेन कैमरा है उसमें मिलता है आपको 890 का एंड दूसरे वाले में मिलता है 709 का एंड ये टेलीफोटो लेंस है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है जिससे आप बहुत अच्छी फोटो ले सकते हो गाइस एंड ये फ़ोन 4K वीडियो सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है 4 साल की ड्यूरेबल लाइफ के साथ। 80 वॉट का टाइप सी चार्जर मिल जाता है एंड 10 मिनट में ये फ़ोन 45% चार्ज हो जाएगा, ऐसा कंपनी हमें बोलती है। इसमें प्रोसेसर भी ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा हैवी दिया है। इसमें आपको डायमेंसिटी मीडिया टेक का 8200 प्रोसेसर मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है एंड पावर को कम कंज्यूम करता है एंड आपको एक लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। और फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है एंड ये आता है आपका 512 GB में। तो वेरिएंट सिर्फ एक ही लॉन्च किया है एंड इसका प्राइस क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। फ़ोन बहुत अच्छा है एंड इसका यूज़ क्या होगा अभी देखेंगे, रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे, कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।